तो सबसे पहला जो पार्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं, वील टॉक अबाउट दी स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रीन। हम यहाँ पर तीन चीज़ों की बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे स्टेमन की, वील टॉक अबाउट माइक्रो स्पोरोफाइल, एंड वील डिस्कस कि ये क्या चीज़ होती है, क्या है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेमन। तो स्टेमन की जब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि स्टेमन इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन फ्लावर एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेल सेक्स ऑर्गन, राइट। दिखने में कैसा होता है ये मैं आप लोगों को डायग्राम पहले भी दिखा चुका हूँ, और आप यहाँ पर भी आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो यू कैन सी दैट दिस पार्ट इज बेसिकली एंथर, एंड दिस एंथर इज अटैच विद अ फिलामेंट, जो कि फिलामेंट कहाँ अटैच होता है, फ्लावर वाले पार्ट पे, बेसल पार्ट पे, ठीक है। तो स्टेमन जो है, दिस बेसिकली स्टेमन इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अपन। तो आई टोल्ड यू कि बेसिकली क्या है इसके अंदर, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दैट इज वन इज एंथर, एंड सेकेंड पार्ट जो होता है इसका फिलामेंट होता है, ठीक है। ये फिलामेंट कहाँ जॉइंट होता है, टू द बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ जब भी हम एंथर की बात करते हैं, एंथर है क्या, एंथर को हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा था। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द एंथर एंड दिस पार्ट इज फिलामेंट, राइट, दिस कंप्लीट पार्ट इज फिलामेंट, ओके। अब ये जो एंथर है, ये द मोस्ट फर्टाइल पार्ट होता है फ्लावर का, क्योंकि मेल फर्टाइल पार्ट की जब हम बात करते हैं तो एंथर इज द पार्ट विच इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन्स। क्या बना रहा है ये, पोलन ग्रेन्स बना रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये द फर्टाइल पार्ट है, किसका, फ्लावर का, मेल फर्टाइल पार्ट, ठीक है। जब हमने फ्लावर को देखा था तो हमने देखा था कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट का जो एंथर होता है वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। जो एंथर होता है उसके अंदर कितने लोब्स होते हैं, उसके अंदर टू लोब्स होते हैं, देयर आर टू लोब्स, राइट। और ये जो दो, जिसमें भी दो लोब्स मिलते हैं, जनरली एंथर्स में दो ही लोब होते हैं, और जहाँ पर भी दो लोब्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डायथीकस। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बोलते हैं इनको, डायथीकस, दिस इज डायथीकस, वी कॉल इट डायथीकस। डायथीकस का मतलब, यहाँ पर देखो दो थीका है इसको, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, और एक लोब और दो लोब, तो जहाँ पर दो लोब्स होंगे उसको हम बोलेंगे डायथीकस। क्या बोलेंगे उसको, डायथीकस। तो इसका मतलब एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होता है वो डायथीकस होता है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वन लोब इज दिस एंड अनदर लोब इज दिस, दैट इज़ वाई वी कॉल इट डायथीकस। अब एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर का जब हम डाइसेक्शन करें, या फिर हम बोलें उसका हम TS देखें, उसका ट्रांसफर सेक्शन देखें उसका, तो वो कैसा दिखेगा, वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या क्या होता है इसके अंदर आप देखिए, इसका जो पार्ट है, जो आउटर लेयर होती है, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बाहर वाली लेयर तो हो गई एपिडर्मिस, इसके अंदर वाली लेयर हो गई एंडोथीशियम, उसके बाद आता है मिडल लेयर, और फाइनली जो आता है हमारे पास वो क्या आता है, वी कॉल इट टेप्टम। क्या बोलते हैं उसको, टेप्टम, ठीक है। डिटेल में अभी अभी आगे देखते हैं अपन कि क्या है टेप्टम, ठीक है। तो टेप्टम जो है, यही एक मेजर पार्ट होता है जो कि यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसको इनर मोस्ट वॉल कहा जाता है, ये नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। साथ ही साथ में जितने भी सेल्स ऑफ टेप्टम होते हैं, ये बहुत ही, इनके अंदर बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये साथ साथ में नोट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब ये डाइथीकस जो है, इसको हम
क्यों डाइथीकस कहते हैं, या फिर डाइथीकस जो पार्ट है इसका एंथर का, उसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो अब हमने कहा कि जब भी हम एंथर की बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, तो डाइथीकस होता है और हर एक एंथर के अंदर चार लोब्स होते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कितने होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि हर एक लोब के अंदर कितने, हर एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? टू। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा एक लोब है, ये पूरा का पूरा दूसरा लोब है, इसको हम वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर दीज फोर आर, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, तो कितने हो गए? चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए हैं। ठीक है, अब कहाँ मिलते हैं जनरली अगर हम एंजियोस्पर्मिक एंथर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ धतूरा। ठीक है, दिस इज व्हाट धतूरा लुक लाइक, ये वाला एग्जांपल दे रखा है आपको, इस तरीका दिखता है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस डायग्राम को भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए समझने वाली चीज़ क्या है उसको समझते हैं अपन एक बार, इसको देखते हैं। देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस एंथर के अंदर, इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो ब्लैक स्ट्रक्चर हैं, ये इनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स, जैसा कि इसमें गिवन है, माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। राइट, नाउ जिस भी, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे 7 माइक्रोस्पोर हैं इसके अंदर देखेंगे, जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये इनक्लोज्ड हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन कॉल इट अ सैक ऑफ पोलन और अ पोलन सैक। इसको क्या बोलते हैं अपन? पोलन सैक बोलते हैं। ठीक है, तो मेजर पार्ट ये होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ में सेंटर में आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज कनेक्टिव, ये कनेक्टिव एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसने चारों लोब्स को क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है वैस्कुलर बंडल, फूड, न्यूट्रिशन, वाटर, जो पहुंच रहा है इसके पास वो किसके थ्रू पहुंच रहा है? वैस्कुलर बंडल से पहुंच रहा है। ठीक है, इसको कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं अपन, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये अच्छा मोनोथीकस जो होगा वो कैसा दिखेगा? डाइथीकस में तो दो लोब हो गए, लेकिन मोनोथीकस कैसे होते हैं? तो एक एग्जांपल मोनोथीकस का भी मैंने स्पेशली यहाँ मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर दो ही लोब्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि लोब तो एक ही होता है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए? दो हो गए, तो लोब इज वन, माइक्रोस्पोरेंजिया दो हो गए। एग्जाम्पल हिस्बिस्कस, दिस इज हिस्बिस्कस, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ हिस्बिस्कस। राइट, अब ये तो बात हो गई एंथर की, एंथर के बाद मूव करते हैं हम, लेट्स टॉक अबाउट फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? देखो फिलामेंट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, बट क्या दोनों पार्ट का कोई रोल होता है? तो यहाँ पर ये समझे कि फिलामेंट इज अ स्ट्रक्चर विच इज इंटैकिंग द एंथर विद फ्लावर। ठीक है, लेकिन ये स्टेराइल पार्ट होता है, ये क्या होता है? स्टेराइल। ठीक है, इट इज अ स्टेराइल पार्ट, साथ ही साथ में इट इज अ लॉन्ग एंड अ सिलेंडर स्टॉक। ठीक है, इस तरह का लॉन्ग पार्ट होता है जो कि फ्लावर से अटैच होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं? इसके ऊपर एंथर इस तरह से अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये क्या पार्ट हो गया? दिस इज अ स्टेराइल पार्ट। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस, पेटल और टेपल्स। देखिए ये प्रॉक्सिमल एंड है इसका, तो ये वाला पार्ट जो होता है या तो किससे अटैच होगा? या तो थैलेमस से होगा, हो सकता है दोनों से हो, पेटल से भी हो और टेपल्स। ठीक है, तो ये किसी से भी अटैच होता है, इसको हम, इसका क्या बोलते हैं? इसको हम प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए।
ठीक है। अभी हमने एंथर का आउटर पार्ट पढ़ा है, जिसमें हमने ये समझा कि एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, ठीक है, डायथीकस होता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, जैसे धतूरा हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। अब उसके अंदर हमने देखा कि क्या होते हैं, स्पोरेंजियम्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर हम इंटरनली जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम दिखता कैसे है और क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसकी, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एंथर का टीएस किया, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन किया, ठीक है। जब हम एंथर का टीएस करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिखा, देखो हम एक एक को देखते हैं। मैंने ये वस्कुलर स्ट्रैंड आपको समझाई दिया है, सेंटर पार्ट, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये दिस इज द आउटर लेयर, यहाँ पर दिख रही है हमें, ठीक है। साथ ही साथ में आउटर लेयर के बाद जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम, इसको हम बोलते हैं द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के बाद जो थर्ड लेयर आती है इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, दिस इज मिडिल लेयर, राइट। और मिडिल लेयर के बाद जो फाइनली अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेपटम, टेपटम, दिस इज टेपटम, दिख रहा है ये अंदर वाला, दिस लेयर इज नोन एज टेपटम, राइट, ओके। नाउ इस टेपटम के अंदर, इस लेयर के अंदर क्या मिलते हैं हमें, यहां मिलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्या मिलते हैं हमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अभी जानेंगे अपन कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या होते हैं, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, है ना, ये कहाँ मिलेंगे हमें, टेपटम लेयर के बाद, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है अबाउट स्टोमियम, व्हाट इज स्टोमियम, ठीक है। तो स्टोमियम भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टोमियम है क्या, कोई बताएगा, किसी को आइडिया है स्टोमियम का, व्हाट इज स्टोमियम, एनीवन, सॉरी बेटा, आवाज कट गई वापस, हाँ मतलब काइंड ऑफ इंटरनोड जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, है ना, ठीक है। और कुछ टेपटम क्या है बेटा, मैंने टेपटम सॉरी मैं बात कर रहा हूँ स्टोमियम क्या है, स्टोमियम इज अ एरिया विच इज सेपरेटिंग दीज स्पोरेंजियम्स, ठीक है, या फिर हम करेंगे जो लोब्स हैं इसके अंदर इनको एक दूसरे से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो दिस इज अ लेयर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम, ठीक है। तो स्टोमियम प्लेज इज अ काइंड ऑफ अ सेपरेशन पार्ट विच इज शोइंग इन दिस, समझ में आया स्टोमियम। तो स्टोमियम क्या है, एक 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 काइंड ऑफ अ थिन वॉल्ड सेल है जो कि क्या करता है, इसका जो रोल होता है वो होता है डिहाइसेंस के टाइम पे। डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है, जब ये वॉल ब्रेक डाउन होती है, और वॉल ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो स्टोमियम की वॉल है यहाँ से टूटती है, ये दिख रहा है, वॉल टूटी, तो वॉल टूटी तो इसमें से क्या निकलेंगे, इसमें से क्या निकल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। तो एट द टाइम ऑफ डिहाइसेंस, डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है, व्हेन द वॉल ब्रेक्स एंड द पोलन ग्रेन स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द एंथर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइसेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिहाइसेंस, स्पेलिंग होगी इसकी DEHISCENCE, इसको बोलते हैं डिहाइसेंस, ठीक है। अब डिहाइसेंस के बाद क्या निकल गए, पोलन ग्रेन्स बाहर निकल गए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हमने क्या समझा, इसकी चार इंपॉर्टेंट लेयर हमने देखी, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर मैंने आपको बताई एंडो थीसियम, तीसरी लेयर बताई मैंने मिडिल लेयर, और चौथा मैंने आपको बताया इसमें टेपटम। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट भी डाला हुआ है मैंने यहाँ पर, अगर आप पढ़ सकते हैं कि, तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होता है,
जिसको हम बोलते हैं माइक्रो, जो कि बेसिकली क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, वो हमेशा कौन से फेज में होता है, 2N के फेज में होता है। ठीक है, 2N का मतलब कौन सा फेज हो गया, डिप्लॉयड। किसमें होता है, हमेशा डिप्लॉयड फेज में होता है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सबसे पहली लेयर की बात करते हैं अपन। ठीक है, नोट्स में शेयर कर दूंगा आपको, आप चाहो तो लिखो, साथ साथ में लिखो ना, क्या दिक्कत है। मैं शेयर कर दूंगा नोट्स, ठीक है। अब देखिए, जब बात करते हैं अपन एंथर वॉल लेयर की बात कर रहे हैं, या फिर हम फर्स्ट लेयर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली लेयर मैंने आपको बताई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, इट इज वेरी थिक लेयर, ठीक है, और ये जो लेयर होती है ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं इसको, ये कहाँ से कनेक्टेड होती है, ये स्टोमियम से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जब भी हम दो पोलन सेक के बीच की बात करेंगे तो उस पार्ट को हम बोल रहे हैं स्टोमियम। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द थिन वॉल्ड सेल प्रेजेंट बिटवीन द टू पोलन सेक बिलोंगिंग टू एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्टोमियम। जैसे मैंने कहा था कि ये वाला जो पार्ट होता है, एक पोलन सेक और ये दूसरा पोलन सेक, इसके बीच का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज स्टोमियम। इसमें भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो स्टोमियम क्या है, दो पोलन सेक के बीच का जो पार्ट है उसको हम स्टोमियम बोल रहे हैं, और डिहाइसेंस के वक्त यही चीज टूटती है, यहाँ से ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन होती है तो फिर इसमें से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस का इतना सा रोल है। ठीक है, नाउ एपिडर्मिस के बाद आता है द सेकेंड वॉल, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या है, ये एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर जो बेसिकली सेल्यूलोसिक फाइब्रस थिकनिंग होती है, इसके अंदर किससे बना होता है, ये सेल्यूलोस से बना होता है। और ये कहाँ से अराइज हो रहा होता है, ये जो इनर टेंजिशियल वॉल है, यानी इसकी जो इनर वॉल है, वहाँ से अराइज हो रहा है। और किस में हेल्प करता है, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, और क्यों करता है डिहाइसेंस ऑफ एंथर, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका। अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या समझें आप लोग, हाइग्रोस्कोपिक वर्ड क्या होता है, तो बताएगा मुझे हाइग्रोस्कोपिक। इट्स वेरी सिंपल, हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, किसी को भी नहीं पता। अरे बाबा, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है समथिंग विच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर। ठीक है, तो ये सब्सटेंस, ये मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक है, तो ये क्या कर रहा है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ये लेयर धीरे 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 क्या करेगी, स्वेलप होगी, स्वेलप होगी तो धीरे धीरे ये क्या होगी, डिहाइज होगी। ठीक है, ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और जो मैच्योर एंथर है इसमें से बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली क्या करती है, वाटर को अट्रैक्ट करती है अपने सराउंडिंग में से, और एब्जॉर्ब करती है, या फिर हम बोल सकते हैं एड्जॉर्ब करती है, यानी एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों ही पार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड लेयर जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर, सॉरी दिस इज सेकेंड लेयर जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम, राइट। तो एंडोथीशियम का काम क्या हो गया, बेसिकली एक तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, तो एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को, वाटर को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। दूसरा नेचर क्या हो गया कि ये इट इज हेल्पिंग इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास इसमें मिडिल लेयर। जब हम मिडिल लेयर की बात करते हैं तो मिडिल लेयर के अंदर ये जनरली कितनी होती है, 1-3, मिडिल लेयर आर 1-3, एंड द सेल ऑफ दीज लेयर एफीमरल। कौन बताएगा एफीमरल क्या होता है, कई बच्चों ने तो पढ़ लिया ये चैप्टर, टर्म्स का मतलब तो ध्यान रखो बच्चों, इसका मतलब होता है समथिंग
विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, यानी कि ये बहुत कम समय तक एग्जिस्ट करती है और ये लेयर जो होती है डीजनरेट हो जाती है जैसे ही ये मैच्योर होता है. जैसे ही मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं ये मैच्योर होंगे, मैच्योरिटी होते ही ये वॉल जो है डीजनरेट हो जाएगी मिडिल लेयर. ठीक है, तो इट इज एफीमरल इन नेचर टर्म. दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. तो हम देखते हैं टेप्टम क्या होता है. द टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर. ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, एंथर वॉल की. ठीक है, जो कि सराउंड करती है स्पोरोजीनस टिश्यूज से. तो यानी इस टेप्टम को कौन सराउंड करके रखता है, स्पोरोजीनस टिश्यू. ठीक है, टेप्टम का जो मेजर रोल होता है वो क्या होता है, नरिश करना, नरिशमेंट. ठीक है, किसको नरिश करता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को. किसको नरिश करता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को. तो मेजर रोल क्या है, ऑब्वियसली बात है कि कोई तो ऐसा पार्ट होना चाहिए ना जो पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन दे, नरिश करे, ताकि वो लॉन्गर पीरियड तक सस्टेन कर पाए. तो ये काम किसका है, टेप्टम का है. और साथ ही साथ में टेप्टम के अंदर दो पॉइंट याद करने वाले हैं. पहला तो इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म, इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म. और जनरली टेप्टम को अगर हम ब्रॉडली देखें तो इट हैज़ मोर देन वन न्यूक्लियस. ये मैं आप लोगों को पहले समझा चुका था. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये स्पोरोजीनस टिश्यूज क्या होते हैं, व्हाट दिस स्पोरोजीनस टिश्यूज मींस. तो स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर्स को क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं या बनाते हैं. ठीक है, और फाइनली ये माइक्रोस्पोर किसके फॉर्म में बन जाते हैं, टेट्राड के फॉर्म में बन जाते हैं. टेट्राड यानी चार सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे अपन. तो हम ऐसा कह सकते हैं, जब हम स्पोरोजीनस टिश्यू की बात करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पोरोजीनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो, दिस इज अ पोलन मदर सेल जो कि कौन से फॉर्म में, डिप्लॉयड के फॉर्म में, टू एन. इसके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद ये एक वेजिटेटिव सेल बन गया. ठीक है, वापस से मियोसिस हुआ और दिस पोलन मदर सेल्स इज कन्वर्टेड इन टू हैप्लॉयड पोलन सेल. और कितने बन गए इसमें, चार, टेट्राड ऑफ फोर हैप्लॉयड पोलन सेल. टेट्राड समझते हैं. फाइनली टेट्राड क्या हुए, अलग अलग हुए और क्या बन गए, यहाँ पर सेपरेट पोलन ग्रेन्स. तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पोलन मदर सेल है वो कितने पोलन ग्रेन्स बना रही है, एक पोलन मदर सेल मेकिंग फोर पोलन ग्रेन्स. कितने, फोर पोलन ग्रेन. और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, जिस प्रोसेस के अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ क्या, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल. और माइक्रोस्पोर इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. कौन से मेथड से होता है, मियोसिस से होता है. याद रखने वाली बात है, मियोसिस से होता है. ठीक है, तो दिस टू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो स्पोरोजीनस टिश्यू, आई होप आपको क्लियर होगा होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है टू गिव राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है, टेट्राड का मतलब होता है फोर. देयरफॉर ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल. यानी कि ये एक्चुअली में क्या है, पोलन मदर सेल हैं जो अल्टीमेटली दे आर गिविंग राइज टू फोर पोलन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है, अब पोलन ग्रेन है क्या, अगर हम पोलन ग्रेन के डिस्क्रिप्शन में जाएं थोड़ा सा, तो पोलन ग्रेन इज जनरली स्फेरिकल. क्या होते हैं, दिख रहे हैं हमें यहाँ स्फेरिकल है, मेजर करते हैं ये 25 टू 50 म्यूमीटर. ठीक है, इनका डायमीटर जनरली इतना ही होता है, दिस इज द डायमीटर. ये एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है, नाउ अब एक पोलन ग्रेन को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो पोलन ग्रेन के दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, जो बाहर का हार्ड शेल होता है इसको बोलते हैं हम एग्जाइन. ठीक है, ये दिख रहे हैं पोलन ग्रेन्स, बाहर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एग्जाइन. और इस एग्जाइन जो ये बाहर निकल रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाइन. और एग्जाइन के साथ यहाँ पर लेयर है, इसके नीचे ये लेयर, इसको हमने क्या बोला है, इंटाइन. इसको हम क्या बोला है, इंटाइन. एग्जाइन जो होता है ये हार्ड कवरिंग होती है, ये क्या होती है, हार्ड होती है. ठीक है,
इंटाइन लेयर जो होता है वो थोड़ी सी थिन होती है, ये थिन होती है, इतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है। तो हार्ड क्यों है, ताकि पॉलिनेशन के वक्त जब पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो हार्ड सरफेस की वजह से बचा रहता है, वो डैमेज नहीं होता है, ठीक है। और डैमेज हो जाएगा तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा। तो डैमेज ना हो इसलिए उसकी जो बाहर की लेयर है एक्साइन लेयर, ये क्या होती है, ये बहुत टफ होती है, हार्ड होती है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड स्पोरोडर्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म बोलते हैं। तो सेल वॉल, वेरी गुड क्वेश्चन, ऑफ पोलन ग्रेन, उसको हमने क्या बोला, उसका नाम है स्पेसिक स्पोरोडर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है। यही स्पोरोडर्म के अंदर दो लेयर्स होती हैं, कौन सी, एक को बोला हमने इंटाइन और दूसरे को बोला हमने एक्साइन, ठीक है। ये होती है सॉफ्ट, इनर होती है, एक्साइन क्या होता है, हार्ड, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया, आगे चले, पोलन ग्रेन्स का पार्ट समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। नाउ अब जरा देखते हैं कि एक्साइन जो है वो क्या है, ठीक है। अब देखो एक्साइन बना हुआ किससे होता है, एक्साइन जो बनता है ना उसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन, एक्साइन बनता है स्पोरोपोलेनिन से बनता है। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, स्पोरोपोलेनिन एक फैटी सब्सटेंस होता है जो कि रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मटीरियल, यानी कि इसके रेजिस्टेंट नेचर की वजह से, जो कि रेजिस्टेंस है ऑर्गेनिक मटीरियल, वो इसको उसके अंदर के जो न्यूक्लियाय हैं या फिर मैं कहूँ एक्चुअल पोलन ग्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्सटेंस को स्पोरो पोलेनिन, ठीक है। ये क्या होता है, ये फैटी सब्सटेंस होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, और इसकी खासियत क्या होती है, इट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नाउ इसकी एक और खासियत होती है, इसके रेजिस्टेंस होने की वजह से या फिर इसके हार्ड होने की वजह से, जैसे मैंने बताया क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो क्या क्या है इसके अंदर, दिख रहा है, देखो ये कर्व्ड सरफेस जो दिख रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइन, ठीक है। इस एक्साइन के अंदर एक लेयर है, ये दिख रही है, द नेक्स्ट कलर्ड लाइट कलर, इस लेयर को हम बोल रहे हैं इंटाइन, ठीक है। जो ये क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियस, इनको हमने क्या बोला, न्यूक्लिया है, ठीक है। और दिस इज थिकनिंग ऑफ सेल्युलोज, यानी ये वाली जो वॉल है ये किसकी बनी है, सेल्युलोज की बनी है, और इसी सेल्युलोज से ये अराइज हो रही है दोनों की दोनों लेयर्स, ठीक है। अच्छा खास बात क्या होती है एक्साइन की, एक्साइन की खास बात ये होती है कि हाई टेम्परेचर इसको इफेक्ट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कलाइन, कोई भी एंजाइम जो है जो कि नोन है अभी तक, ये इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, यानी इसको डैमेज नहीं कर सकता, और डैमेज नहीं कर सकता इसी वजह से इसकी जो सर्वाइवल है ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह सकता है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एक्साइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन, दिस इज बेसिकली द टीएस ट्रांसफर सेक्शन, हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा है, ठीक है। अब स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस की वजह से, देखो मैं ये लाइन रीड कर रहा हूं एक बार देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन ऑफ द पास्ट प्लांट्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। जो भी हमें फॉसिल मिलते हैं या प्लांट्स के फॉसिल हमें मिले हैं, इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से वो प्रिजर्व फॉर्म में रह पाते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन क्या है, स्पोरोपोलेनिन एक हार्ड सब्सटेंस, फैटी सब्सटेंस है
जो कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट है, जो कि एक लंबे ड्यूरेशन तक इसको रख सकता है विदाउट एनी डैमेज. ठीक है. नाउ पोलन ग्रीन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर. ठीक है. इसके अंदर ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है. अब देखो जर्म पोर क्या है, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम जर्म पोर. पोर इज अ काइंड ऑफ अ पोर. यहां पर स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है. ठीक है. अब क्यों एब्सेंट होता है इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे. तो दिस इज बेसिकली अ जर्म पोर. ठीक है. यहां तक क्लियर हुआ सबको? नाउ नाउ दूसरा पार्ट क्या होता है, जैसा मैंने कहा सॉफ्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इन टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं इन टाइम. एक्साइन हो गया इन टाइम. इन टाइम किसका बना होता है, सेल्युलोज का और पैक्टिन का बना होता है. किसका बना होता है, सेल्युलोज का और पैक्टिन का होता है. ठीक है. तो आपको इन टाइम और एक्साइन समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो हमने आज जो देखी चीज़ें उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, हमने देखा कि किस तरीके से एंथर जो है, फिलामेंट एंथर जो है, उसको हमने और डीप में पढ़ा, उसको और डेप्थ में पढ़ा. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर हम बात करेंगे कि एक मेल गैमेटोफाइट जो बनता है वो कैसे बनता है. ठीक है. तो मेल गैमेटोफाइट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम, उसका जो डेवलपमेंट है वो पढ़ने वाले हैं. तो अगला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ठीक है. अब मेल गैमेटोफाइट से पहले अपन ने ये समझ लिया कि माइक्रोस्पोर क्या होता है. माइक्रोस्पोर क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमेटोफाइट का जो सबसे पहला सेल बनता है वो क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है. ठीक है. और जो जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होता है वो स्टार्ट होता है इन मदर प्लेस, यानी कि जहाँ पर एक्चुअली में वो एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर ही इसका स्टार्ट हो जाता है. इसको बोलते हैं स्टार्च इन सीटू. सीटू का मतलब होता है इन दी मदर प्लेस. ठीक है. अब माइक्रोस्पोर जो है, अगर उसकी हम डिफिनेशन की बात करें या फिर हम ये कहें कि माइक्रोस्कोप को बेस्ट डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो इसको बेस्ट डिफाइन किया जा सकता है एज पार्शली डेवलप मेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बनना शुरू हो गया है और माइक्रोस्पोर इज समथिंग विच इज पार्शली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोस्पोर जो है वो डिवाइड होता है कैसे, माइटोटिकली. माइटोसिस से डिवाइड होकर वो दो तरीके के सेल्स बनाता है. कौन कौन से, एक बनाता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा बनाता है जनरेटिव सेल. एक बनाता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा बनाता है जनरेटिव सेल. अब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या होते हैं, ठीक है. वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल जनरली बिगर साइज में होता है. इस वेजिटेटिव वर्ड क्या है, देखो वेजिटेटिव वर्ड बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है, यानी कि वहाँ पर उसके अंदर काफ़ी सारा फूड रिजर्व होगा. ठीक है. और साइज में बड़ा होगा, फूड स्टोर होगा, इस वजह से साइज भी बड़ा होगा और कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, नरिश भी कर रहा होगा. तो देखते हैं अपन, पहले अपन इसको देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं. देखो क्या हुआ, देखिए ये हमारे पास एक पोलन ग्रेन है. ठीक है. पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं. इंटाइन एक्साइन हमने ये समझ ही लिया, एक्साइन इंटाइन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म जर्म पोर ये सब मैंने बता दिया आपको. अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर सेल माइटोटिकली डिवाइड हुआ और इसने क्या बना लिया, इसने सेल बनाया. कौन सा बनाया, कैन यू सी द जनरेटिव सेल. मैंने आपको बताया दो तरीके के सेल बनते हैं इसके अंदर, एक जनरेटिव सेल बनता है, दूसरा बनता है हमारे पास वेजिटेटिव सेल. तो देखते हैं यहाँ पर क्या बन गया, जनरेटिव सेल बन गया. अब ये जनरेटिव न्यूक्लियस ट्रैवल कर रहा है. ठीक है. कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ट्यूब के अंदर. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब. ये ट्यूब जो बन गई इसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब. ठीक है. अब धीरे 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 ये ट्रैवल करके कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये डिवाइड हो रहा है. किसमें डिवाइड हो रहा है, मेल सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है. किसमें डिवाइड हो रहा है, मेल सेल्स में. तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर हम देखें जनरेटिव सेल की बात करें तो ये जनरली स्मॉल होते हैं और ये क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में. तो ये देखो, अगर देखोगे तो ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है.
तो फ्लोट करते हैं वेजिटेटिव सेल में, और इट इज स्पिंडल शेप एंड हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, साथ में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जनरली ये चीज रहती है इसके अंदर। अब क्या हो रहा है देखते हैं अपन, मेल सेल ने क्या बना लिया, पोलन ट्यूब बना ली। पोलन ट्यूब के बाद कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स ओवरी। देखते हैं जनरली जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ना, वो टू सेल स्टेज में मिलते हैं, ठीक है। टू सेल स्टेज यानी एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, जो मैंने बताया, ठीक है। वहीं पे पॉलिनेशन जो होता है इनका, वो टू सेल स्टेज पे होना स्टार्ट हो जाता है। 60% एंजियोस्पर्म ऐसे ही हैं जिसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। और रिमेनिंग जो स्पीसीज है उनके अंदर थ्री सेल स्टेज पे जाने के बाद वो ट्रांसफर होते हैं, वो देखेंगे अपन कि थ्री सेल स्टेज कैसे होती है, ठीक है। अब जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है मेल गैमेटोफाइट का, वो होता है व्हेन इट रीचेस टू स्टिग्मा। तो एंथर से जब स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो इनिशियल डेवलपमेंट तो कहाँ हो रहा है, एंथर पे हो रहा है, और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, स्टिग्मा पे होता है, ठीक है, ठीक है। आगे अब देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर है पोलन ग्रीन क्या करता है, एक्सपैंड करता है, जैसे मैंने बताया था आपको, पोलन ग्रीन क्या करता है, एक्सपैंड करता है, कैसे एक्सपैंड करता है, एब्जॉर्बिंग द लिक्विड फ्रॉम द मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्टिग्मा। जैसे स्टिग्मा पे जाके गिरा, यहाँ स्टिग्मा पे जाते ही वहाँ पर एक्सपैंड होना शुरू हो गया। एक्सपैंड कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन से, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, लिक्विड जो कि मॉइस्ट फॉर्म सरफेस पे रखा हुआ है स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा पे क्या होता है, स्टिग्मा पे बोरोन होता है, शुगर्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, और इस तरीके सब्सटेंस होते हैं जो कि वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरोसाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोसाइट, ठीक है। दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोरोसाइट, ये माइक्रोस्पोरोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद ये क्या क्या बन जाएगा, टेट्राड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाता है, टेट्राड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, टेट्राड बनने के बाद यह पोलन सेक जो है इनका डिहाइसेंस हुआ, डिहाइसेंस होने के बाद इसमें से क्या निकले, माइक्रोस्पोर निकले, क्या निकले, माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर को ही हम क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स बोल रहे हैं। अब इन माइक्रोस्पोर का क्या हुआ, मियोसिस, माइटोसिस हुआ, इनका क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। जैसे ही माइटोसिस हुआ इसमें दो तरीके के सेल बन गए, दिख रहे हैं, जनरेटिव सेल्स। अब यहाँ तक ये वाला पार्ट तो कहाँ हो गया, ये एंथर तक कंप्लीट हो गया था, अब ये कहाँ पर आ गए, अब ये स्टिग्मा पे आ गया। जैसे स्टिग्मा पे आया यहाँ पर क्या बनना शुरू हो गई, मेल गैमेटोफाइट्स बन गए, साथ ही साथ में इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, पोलन ट्यूब बना दिया, और ये पोलन ट्यूब कहाँ पहुँचेगी, ओव्यूल तक जाएगी।